बाल मित्रों स्टैंड अप फोर सब्जेक्ट हिंदी जिसमें हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है जो कि तृतीय भाषा और द्वितीय सत्र के लिए है उसमें हमने अब तक हम अनुक्रमणिका में देखे तो चैप्टर नंबर वन टू और थ्री फोर यहाँ तक की एक्सरसाइज सीख ली है आज हम उसका पुनरावर्तन सीखने वाले हैं यानी कि पुनरावर्तन नंबर एक इसके लिए आपको पेज नंबर निकालना है ट्वेंटी जहाँ दिया गया है पुनरावर्तन एक तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ये पुनरावर्तन एक है वो मेरे साथ आंसर लिख के कम्प्लीट करते जाना है क्वेश्चन नंबर वन है नीचे दी गई संख्या को पढ़िए और शब्दों में लिखिए यहाँ पे आपको नंबर दिए गए है यानी की संख्या दी है तो संख्या को हमें शब्दों में लिखना है यहाँ पे अंक में लिखा है हमें शब्दों में लिखना है देखिए नंबर पहला यहाँ पे दिया है पांच लिख के क्या लिखा है पांच तो आप आंसर लिखिए पांच आगे देखिए नंबर छ लिखा है तो आपको इस तरह से लिखना है अब है नंबर नौ तो उसको किस तरह से संख्या में लिखेंगे इस तरह से नौ ग्यारह उसी तरह से यहाँ पे लिखना है बारह ये क्या लिखा है तेरह यानी कि आपको यहाँ पे थर्टीन दिया है जिसको हिंदी में कहते हैं तेरह और ये है पंद्रह तो आपको यहाँ पे पंद्रह लिखना है सत्रह अठारह और उन्नीस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर वन है वो कंप्लीट करना है अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू वर्णों को पढ़िए और लिखिए देखिए क यानी कि हमें यहाँ पे जो भी वर्ण दिए हैं वो आपको रीड करते जाना है इसको क्या कहते हैं वो बोलते जाना है और पास में वन टाइम लिखते जाना है यानी कि यहाँ पे लिखा है क ख च ट ब ल और लास्ट लाइन में लिखा है म भ ग और क्ष देखिए ये जितने भी वर्ण लिखे हुए हैं व्यंजन लिखे हुए हैं वो पास में जो जगह है खाली वहाँ पे आपको लिखना है और ये इसे क्या कहते हैं वो आपको सीखना भी है अब है क्वेश्चन नंबर थ्री चित्र देखकर शब्द लिखे यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो पिक्चर दिया है उसको हिंदी में क्या कहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है देखिए फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे है, तो है पोपट लेकिन हिंदी में उसका नाम क्या है तोता तो आंसर लिखिए तोता ये पिक्चर है रेबिट का यानी कि ससलू तो उसे हिंदी में क्या कहेंगे खरगोश तो आपको खरगोश लिखना है ये पिक्चर है कबूतर यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं पिजन हमें इसको हिंदी में नाम देना है तो उसे हिंदी में कहते हैं कबूतर या लिखिए अब है पिक्चर का, यानी कि इसे इंग्लिश में क्रो कहते हैं गुजराती में कागड़ो कहते हैं लेकिन इसको हिंदी में कहते हैं कौआ चूंकि हमें हिंदी में नाम लिखना है यानी कि आप यहाँ पे कौआ आंसर लिखेंगे ये है फूलगोभी का पिक्चर तो आपको यहाँ पे लिखना है फूलगोभी यानी कि क्वालीफ्लावर लास्ट में है का पिक्चर यानी कि कछुआ इसे कहते हैं तो हिंदी में हमें लिखना है कछुआ अब इसके आगे जो पिक्चर है वो हम देखते हैं गिलहरी यहाँ पे आपको लिखना है गिलहरी इसे कहते हैं स्क्वीरल स्क्वीरल यानी कि खिसकोली आम का पिक्चर यानी कि केरी तो से हमें लिखना है आम ये है पपीता तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है पपीता अब हम इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं ऊपर युक्त चित्रों को देखकर कर पांच वाक्य बनाइए जैसे हमने आगे के क्वेश्चन में कुछ पिक्चर देखे तो ये जो जो पिक्चर है उसमें से आपको कोई भी फाइव पिक्चर चूज करना है और उसके ऊपर से आपको वह सेंटेंस बनाना है मैंने खरगोश के बारे में यहाँ पे लिखा है खरगोश बहुत तेज दौड़ता है देखिए ये मैंने खरगोश का पिक्चर देख के उसके ऊपर एक वाक्य बनाया है खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और लास्ट में फुल स्टॉप नंबर सेकंड कौवा अपनी करकश आवाज में बोल रहा है देखिए कौवे के बारे में मैंने सेंटेंस लिखा है कौवा अपनी करकश यानी कि जो गंदी आवाज है जो किसी को पसंद नहीं है ऐसी आवाज में बोल रहा है नंबर थ्री फूल एक सब्जी का नाम है मैंने ऐसा सेंटेंस बनाया फूल एक सब्जी का नाम है नंबर फोर तोता हरे रंग का होता है नंबर फाइव मुझे आम बहुत पसंद है तो बच्चों ये हमने सेंटेंस बना लिए। आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये आंसर लिख दीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर का अ नीचे दिए गए वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाइए। देखिए यहाँ पे आपको वर्ण दिए हैं व्यंजन क म प और र और इससे आपको यहाँ पे जितनी ब्लैंक दी है उतने वर्ड बनाने हैं से यहाँ पे दिया है कमल और तीन ब्लैंक खाली दी है यानी कि तीन जगह आपको से बने हुए शब्द लिखने हैं क से कमल और मैंने से और तीन शब्द बनाए हैं जो आप रीड कीजिए और अपनी टेक्स्ट बुक में लिखिए कमर कनक कर्ण कर्ण का मतलब होता है कान म से मकान तो मैंने बनाया मनन ममता मयूर प, प से पतंग लिखा हुआ है मैंने क्या लिखा पवन पण पलंग पण यानी कि जो पेड़ का पत्ता होता है वो पण र से रसीदी है मैंने लिखा है रश्मि रतन और रक्षक रक्षक का मतलब होता है सबकी रक्षा करना जो रक्षक कहलाता है क म प और र से मैंने यहाँ पे शब्द बना दिए आपने भी बना दिए होंगे अब हम देखते हैं ब नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरणों के अनुसार लिखिए यानी कि यहाँ पे जो है वो लिंग परिवर्तन है और यहाँ पे वचन परिवर्तन है लिंग परिवर्तन का मतलब होता है जो यहाँ पे पुल्लिंग नाम है पुल्लिंग का मतलब होता है जो पुरुष से संबंधित हो उसे कहते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी कि जो स्त्रियों से संबंधित हो तो उसे कहते हैं स्त्रीलिंग तो इसे लिंग परिवर्तन कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों लिंग परिवर्तन सबसे पहले हम लिंग परिवर्तन करते हैं शिक्षक शिक्षक यानी कि सर आप ऐसे कह सकते हैं तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे तो शिक्षक वो है पुलिंग शब्द तो हमें स्त्रीलिंग बनाना है शिक्षिका तो मैंने बनाया शिक्षिका आप लिखिए शिक्षक तो उसका लिंग परिवर्तन यानी कि स्त्रीलिंग होता है शिक्षिका अब है बंदर तो बंदर होता है वो पुल्लिंग होता है मुझे बनाना है स्त्रीलिंग तो बंदरिया मोर तो मोरनी माता तो पिता माता है वो स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना है पुल्लिंग शब्द मैंने लिखा पिता ये आपने लिंग परिवर्तन किया अब यहाँ पे है वो है वचन परिवर्तन लड़का तो लड़के देखिए लड़का का मतलब होता है वहां पे एक लड़का है वन और लड़के यानि कि बहुत ज्यादा लड़का वो है एक वचन और लड़के वो है बहुवचन घोड़ा यानि कि एक ही घोड़ा है एक ही हॉर्स है बहुत सारे हॉर्स हो तो उसे कहते हैं घोड़े तो ये मैंने बहुवचन बनाया अब है बच्चा यानी कि वन चिल्ड्रन सॉरी वन चाइल्ड तो बहुत सारे होंगे तो हम क्या कहेंगे उसको चिल्ड्रन यानि कि उसको हिंदी में अगर हमें कन्वर्ट करना है एक वचन और बहुवचन में तो बच्चा तो बनेंगे बच्चे यानी कि बहुत सारे बच्चे तितली यानी कि वन बटरफ्लाई लेकिन हमें कहना है उसको तितलिया यानी कि बहुवचन तितली का मछली तो उसका भी बनेगा मछलिया बाल दोस्तों ये जो पुनरावर्तन एक है आपकी टेक्स्ट बुक में वो आपको इस तरह से लिख के कंप्लीट करना है अब हम इसके आगे का पेज देखते हैं जिसको आपको सिर्फ समझना है यहाँ पे है व्यंजन और खंडशः लेखन यानी कि अगर आपको व्यंजन पर लिखना है तो आप कहा से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद कैसा बनेगा शब्द और लास्ट में पूरा बनाऊंगी तो कैसा बनेगा ये आपको खंडशह लेखन दिया है जो कि आपको सिर्फ समझने की जरूरत है इसमें आपको कुछ करना नहीं है पेज नंबर ट्वेंटी टू और पेज नंबर ट्वेंटी थ्री दोनों पेज पे आपको खंड लेखन दिए है जिसमें आपको सिर्फ समझना है इसके बाद का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे